हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग अनुच्छेद लेखन करेंगे, जिसका टॉपिक होगा महाकवि कालिदास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको हिंदी में बता देती हूँ, तब हम संस्कृत में 8 से 10 लाइन इनके बारे में लिखेंगे। तो महाकवि कालिदास जो थे वो संस्कृत साहित्य के बहुत ही बड़े कवि, बहुत ही नामी कवि थे। ये न केवल भारत के बल्कि विश्व में इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ये कवि गुल गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके बहुत सारे नाटककार हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, इन्होंने ये सब लिखा है, कुमार संभव, रघुवंश, बहुत सारे। इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा था। इन्होंने अपने अधिकतर जितने भी इन्होंने नाटक लिखे हैं उसमें इन्होंने सौंदर्य का ज़्यादा वर्णन किया है। तो चलिए हम लोग, और उसी से काव्य की प्रतिभा को भी दिखाया है। तो चलिए हम लोग अब संस्कृत में इनके बारे में लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो पॉज करके मैं पढ़ देती हूँ एक बार। महाकवि कालिदास न केवलम संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्व साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ कवि आसीत्। भारतीय महाकविषु समालोचकेषु च स कवि कुलगुरु इति विरोदेन वंदनीय वर्तते। स महान कवि नाटककार च आसीत्। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम तस्य महाकवे विश्वविश्रुता कृतयः। सौंदर्य वर्णने काव्य प्रतिभायां च महाकवि कालिदास अद्यापि अप्रतिमः वर्तते। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरीके का अगर आपको संस्कृत में होमवर्क मिले किसी भी चीज़ पे अनुच्छेद लेखन का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी आपको लिख के दिखा दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।